मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान कमलनाथ के बिगड़े बोल, इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी। कमलनाथ की टिप्पणी पर इमरती देवी का छल का दर्द, फूट फूट कर रोई इमरती देवी। कहा, बड़ा भाई मानकर कमलनाथ के छूती थी पैर, लेकिन दलित महिलाओं से नफरत करने वाला ये शख्स भाई बनाने लायक नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, कहा, महिला का ऐसा अपमान कतई बर्दाश्त नहीं, कमलनाथ करें शर्म। तू इस लाख है ही नहीं कमलनाथ, तू राजनीति लाख नंजा, राजनीति करने वे के लाख नंजा। जब तू एक ऐसी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नीयत कितनी खराब। बिहार में आज सीएम नीतीश की ताबड़तोड़ रैलियां, कुछ 5 रैलियां करेंगे नीतीश। सीएम नीतीश की आज गया में 3 रैलियां, औरंगाबाद में 1, जहानाबाद में 1 रैली। नीतीश पर लालू यादव ने किया ट्वीट वार, विकास में समंदर की दलील का बनाया मजाक, दी नसीहत, लिखा नीतीश तुम अब थक गए हो, आराम करो। लालू ने एक कार्टून भी ट्वीट किया जिसमें एक शख्स बिहार में समंदर बनाने के लिए घड़े में पानी ले जा रहा है। लालू यादव पर जेडीयू और बीजेपी ने किया पलटवार, कहा लालू खुद इतने दिनों तक काम करके थके, अब जेल में कर रहे हैं आराम, छूटने की कोई संभावना नहीं। 14 दिन के लिए जेल भेजा गया बलिया का मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह। बलिया पुलिस ने नहीं मांगी रिमांड, कल रात बलिया पुलिस ने की मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह से पूछताछ, कहा आत्मरक्षा में चलाई गोली। सूत्रों के मुताबिक धीरेंद्र सिंह ने कहा दूसरे पक्ष ने शुरू किया हंगामा, हथियार रिकवर करने में मदद का दिया भरोसा, बलिया कांड के आरोपी का समर्थन कर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह खिरे, पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। सुरेंद्र सिंह की करतूत से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नाराज, कहा जांच में दखल दी तो होगी कार्रवाई। आज 2 आतंकी हमलों से दहला कश्मीर। पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ टीम पर किया अटैक, आतंकी हमले में 2 सीआरपीएफ जवान घायल, आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ जारी। कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकी गिरफ्तार, गिरफ्त में आए दोनों आतंकी लश्करे तैयबा से जुड़े हैं। बारामूला में सुरक्षा बल की गिरफ्त में आए दोनों आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। फारूक अब्दुल्ला पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मामले में पूछताछ। देश में कोरोना के कुल केस 75 लाख के पार, 55 से ज्यादा नए मामले, देश में 24 घंटे में 579 लोगों की गई जान, मरने वालों का आंकड़ा 1,14,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,299 नए मामले, 28 मरीजों की मौत, महाराष्ट्र में कोरोना की बनी हुई है रफ्तार, 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए बीमार, वाराणसी में 7 महीने बाद खुले स्कूल, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास, मास्क भी जरूरी।